हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ। ये जो अपडेट है ये सीआरपीएफ पैरामेडिकल के एग्ज़ाम को लेके है। बहुत सारे छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा। उन सभी छात्रों के लिए एक मैं लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ सीआरपीएफ पैरामेडिकल एग्ज़ाम को लेकर कि आपका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाला है। आप सबसे निवेदन है, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलो मैं आपको वो ऑफिशियल अपडेट बताता हूँ जो कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल के एग्जाम को लेके आई है। चलो मैं आपको ऑफिशियल साइट पे ले चलता हूँ सीआरपीएफ पैरामेडिकल के एग्जाम को लेके, जिसमें बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम कब से कंडक्ट होने वाला है। लोग ये ऑफिशियल अपडेट देख सकते हैं, सीआरपीएफ पैरामेडिकल एग्ज़ाम डेट, सीआरपीएफ पैरामेडिकल के एग्ज़ाम डेट को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट बताई जा रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें जो आपका स्टेज रहने वाला था, पहला फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन सेकेंड स्टेज में था, और थर्ड जो स्टेज था ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, और फोर्थ जो स्टेज था मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर क्या रहने वाले हैं, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर न्यू दिल्ली रहने वाला है, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पालीपुरा। टोटल आपके 9 स्टेट रहने वाले हैं जिसमें कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि एडमिट कार्ड आपके किस मोड में आने वाला है। आप देख सकते हो एडमिट कार्ड इज़ बीइंग डिस्पैच बाय पोस्ट, पोस्ट के द्वारा भी आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। जिन कैंडिडेट का पोस्ट के द्वारा एडमिट कार्ड निकला है उनकी तरफ से एक ऑनलाइन लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें कि सारे कैंडिडेट के नाम और रोल नंबर होंगे। उसमें से वो अपना नाम रोल नंबर चेक कर सकते हो, जो कि सीआरपीएफ की ऑफिशियल साइट पर डाउनलोड की जाएगी। अब बात कर रहे हैं कैंडिडेट्स नीड टू डू एनीथिंग टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को लेके देख सकते हैं आप, ये कुछ नहीं करना होगा कैंडिडेट को। एडमिट कार्ड विल बी डिस्पैच टू द एलिजिबल कैंडिडेट, एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं उनको एडमिट कार्ड डिस्पैच किए जाएंगे, ये बताया जा रहा है, और इनकी तरफ से ऑनलाइन लिस्ट भी जारी की जाएगी। अब बात करते हैं इसके, जो आप देख सकते हो सीआरपीएफ की तरफ से एक और ऑप्शन दिया गया है आपको एडमिट कार्ड को लेकर। आप देख सकते हो अगर आपको कोई भी क्वारी हो, कोई भी पूछताछ करनी हो, तो आप ये हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और यहाँ से कोई भी अपनी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं सीआरपीएफ के सिलेबस के लिए, सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सीआरपीएफ पैरामेडिकल जो एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस रहने वाला है। अब बात करें कि आपका एडमिट कार्ड कब से जारी हो जाएगा, जो आपका एडमिट कार्ड है ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा। ये मैं आपको ऑफिशियली अपडेट बता रहा हूँ, आपके अप्रैल फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं, ये मैं आपको कंफर्म और ऑफिशियल अपडेट बता रहा हूँ। अभी तक यही ऑफिशियल अपडेट मेरे जानने में आई है कि अप्रैल में आपका कन्फर्म से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है सीआरपीएफ पैरामेडिकल एग्ज़ाम को लेके। अब बात करें कि जो भी छात्र सीआरपीएफ पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो सभी छात्र तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम कन्फर्मली कंडक्ट करा दिया जाएगा। ये मेरी तरफ से आपके लेटेस्ट अपडेट था। अगर अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।